तोप की पानीपुरी चैलेंज, कैनन पानीपुरी। झांसी करके एक गांव में श्याम और राधा करके दो पति पत्नी थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। श्याम मार्केट के एक शॉप में बोरियां उठाने की काम करता था और राधा घरों में बर्तन और साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन दोनों अपना काम करके थके हुए घर आए थे। अजी, अब ये काम वाली काम मुझसे नहीं होगा। आज एक कांच की बर्तन मेरे हाथ से गिर गई और टूट गई। बस मुझ पे मालकिन चिल्लाने लगी, गालियां दिया जी। अब क्या करे राधा, गालियां तो मुझे भी खाने पड़ती हैं। अगर मेरे एक गेहूं का बोरी को भी छेद हो गया तो बस 100 गालियां खाने पड़ते हैं मेरे साहूकार से। वो मालिक हैं और हम नौकर। नहीं जी, अब मुझसे गाली खाना नहीं हो पाएगा। हमें खुद का कुछ करना चाहिए। लेकिन राधा, हमारे पास खुद का व्यापार करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये लीजिए, मैं अपनी मंगलसूत्र और कंगन देती हूँ। इन्हें बेचकर पैसे लेके आइए, बाद में सोचेंगे क्या करना है। जैसे राधा ने बोली, श्याम उन गहनों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे लेके आता है। ये लो राधा, अगर भगवान की यही मर्जी है तो हम व्यापार ही करेंगे। वैसे भी हम कौन सा व्यापार करेंगे? चलो हम बाजार जाकर देखेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा व्यापार है जो इस गांव में नहीं है। बाद में दोनों जाकर मार्केट में देखने लगे। वहां पर तरह तरह के व्यापार थे, जिलेबी वाला, मिर्ची बज्जी वाला, पाव भाजी वाला, लेकिन वहां पर पानी पूरी का ठेला नहीं था। ये देखकर राधा बोली, देखिए जी, इस पूरे गांव के मार्केट में पानी पूरी नहीं है, तो क्यों ना हम एक पानी पूरी का ठेला खोले। हाँ राधा, तुम सच कहती हो। कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे उसे खूब खाते हैं। लेकिन अगर लोगों को हमारे पास आकर खाना है तो हमको कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। अरे, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। मेरे पास बचपन का एक तोप का खिलौना है। हम उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो उसमें से वो उड़ता हुआ आकर सामने गिरेगा। मैं इससे बहुत अच्छी तरह खेलती थी। जैसे ही राधा ने ऐसा बोली, उस पुराने तोप को बाहर लाते हैं और उसे अच्छी तरह सफाई करते हैं। उसके बाद वह तोप काम करने लगी। उसी दिन को वह पानी पूरी का ठेला भी लगा देते हैं और बाजू में तोप को भी लगाते हैं। आओ भाई आओ, तोप का पानी पूरी खाओ, कैनन पानी पूरी। प्लेट पकड़कर खड़े होने की जरूरत ही नहीं है, हमारा तोप सीधा आपके मुंह में ही डालेगा पानी पूरी को। ये सुनते ही कुछ लोग आकर इकट्ठे हो गए। जैसे ही शाम ने कुछ पानी पूरी को तोप की नली में रखकर चलाई तो पानी पूरी सीधा एक एक करके जाकर ग्राहकों के मुंह में गिरने लगी। सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा और मजे लेकर खा रहे थे। कुछ ही दिन में तो पानी पूरी बहुत फेमस हो जाती है। यूं श्याम और राधा पानी पूरी का व्यापार करते हुए खुशी खुशी से रहने लगे। छगन सेठ गांव के बहुत बड़े रईस थे। उनके पास बहुत ज्यादा जमीन, खेत, खलिहान और दुकानें थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो गांव के बीचों बीच अपने एक बहुत बड़े मकान में अपनी पत्नी सुशीला और दो बच्चों विक्की और बब्बी के साथ रहते थे। छगन सेठ बहुत मेहनती और अच्छे इंसान थे। अरे रामू, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? सेठ जी, इस साल मेरी फसल खराब हो गई, मैं क्या करूं बताइए, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अरे मुनीम जी, जितना इसे चाहिए उतना अनाज दे देना, खाने की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन छगन सेठ एक चीज से बहुत परेशान थे, उनके दोनों बेटे एक नंबर के निकम्मे और आलसी थे। वो हमेशा अपनी पत्नी से कहा करते थे, सुशीला, मुझे तो इन दोनों की चिंता है, मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा, ये कैसे मेरा व्यापार संभालेंगे। कोई बात नहीं जी, वक्त इन सबको संभाल लेगा। अरे तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन वो वक्त आएगा कब, देखती नहीं कैसे सांड जैसे बड़े होते जा रहे हैं। इसी तरह सालों साल बीत जाते हैं।
एक दिन सेठ बहुत बीमार हो जाते हैं। वो अपने दोनों बच्चों को बुलाकर कहते हैं, बेटा मैं तुम दोनों को एक काम देना चाहता हूँ। जो उसमें अव्वल आएगा मैं उसी को सारा व्यापार काम और जमीन जायदाद देकर जाऊंगा। हमें क्या करना होगा पिताजी? तुम दोनों को हमारे जंगल वाली पुरानी हवेली में जाना होगा। वहाँ पर दो सुनहरी कारें हैं। तुम में से जिसकी कार सबसे चमकती हुई होगी मैं उसी को सब कुछ दूंगा। ऐसा सुनते ही दोनों हवेली की तरफ चल पड़ते हैं। वो जंगल के रास्ते से बड़ी मुश्किल से हवेली में पहुँचते हैं। देखते हैं तो वहाँ दो कारें खड़ी हुई थी। उनके ऊपर धूल मिट्टी जमी थी। विक्की बड़ी कार को साफ करता है। वो अंदर से सुनहरे रंग की थी। बब्बी ये कार मेरी है, तू दूसरी कार को साफ कर। बब्बी विक्की से थोड़ा ज्यादा समझदार था। वो जैसे ही कार को साफ करता है वो सुनहरे रंग की नहीं थी, लेकिन वो उसे चलने लायक बना देता है। और इधर विक्की की कार सुनहरे रंग की थी, साफ करने के बाद वो चमकने लगती है, लेकिन वो चल नहीं सकती थी। विक्की बब्बी से कहता है, बब्बी भाई तेरी कार चल रही है ना, तू ऐसा कर रस्सी से बांधकर मेरी कार को खींच ले, हम दोनों कारें लेकर घर जाते हैं। वे दोनों ऐसा ही करते हैं। वे दोनों घर के आंगन में लाकर दोनों कारें खड़ी कर देते हैं और अपने पिता को बाहर बुलाते हैं। दोनों कारों को देखकर सेठ अपनी सारी धन दौलत बब्बी को दे देता है। ये देखकर विक्की बोलता है, पिताजी मेरी कार तो इससे ज्यादा चमक रही है, फिर भी आपने सारी दौलत बब्बी को क्यों दी? बेटा तुम्हारी कार चमक रही है लेकिन ये किसी काम की नहीं है, लेकिन असली सुनहरी कार तो बब्बी की है जो चल सकती है और सोना कमा सकती है। इसलिए जीवन में हमेशा मेहनत करो और ऐसा काम करो जिससे तुम खुद की और औरों की मदद भी कर सको। दोनों बेटों को अपने पिता की बात समझ आ जाती है और वो दोनों उसी दिन से मेहनत करने लगते हैं। खिलौने और बौनों का बचाव। टनकपुर गांव में जंगल में एक बौनों की गुफा थी। उस गुफा में बौने काफी समय से रहा करते थे और वो कभी कभी घूमने के लिए बाहर गांव में भी आया करते थे। छोटे होने के कारण इंसानों की नज़र कभी उन पर नहीं पड़ती थी। गांव वाले और बौने काफी समय से बिना एक दूसरे को देखे वहां रहा करते थे, लेकिन एक साल काफी बारिश होने की वजह से बौनों की गुफा तबाह हो गई। नदी का सारा पानी बौनों की बस्ती में घुसने लगा, उनके घर टूटने लगे। हे भगवान, इस बरसात ने तो सारे घर तबाह कर दिए, अब तो नया घर बनाना होगा, चलो सरपंच से बात करते हैं। सभी बौने मिलकर अपने सरपंच के पास गए। सरपंच जी जल्दी जल्दी नए घर बनाने का इंतजाम करिए, बरसातों के मौसम में सारे घर बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है लेकिन घर बनाएगा कौन? सरपंच की बात सुनकर एक बौने ने कहा, हम बनाएंगे, मैंने गांव के बच्चों को खेलते हुए देखा है, उनके पास नए नए तरीके के खिलौने हैं, हर तरह का खिलौना है जिनसे घर भी बनाया जा सकता है। सरपंच ने बौने की बात सुनकर कहा, क्या कहा, ऐसी बात है तो जाओ उन खिलौनों को यहाँ ले आओ। सरपंच से आज्ञा लेकर कुछ बौने हिम्मत करके गांव में गए और वहाँ से उन्होंने बच्चों के खिलौने लाने का सोचा। चलो दोस्तों, वो पिंकू का घर सब जानते हैं ना, उसके पास 100 से भी ज्यादा खिलौने हैं, कुछ खिलौने जो हमारी जरूरत के हैं आज रात हम गायब कर देंगे। वे सभी रात को चोरी छिपे पिंकू के घर गए। बौनों ने पिंकू के खिलौनों में से अपने काम के खिलौने उठाए और उन्हें लेकर गए। अरे वाह, चलो घर बनाते हैं। बौनों का सरपंच भी खिलौनों को देखकर बहुत हैरान हुआ। अरे वाह, ये तो वाकई में इंसान की बनाई हुई नायाब चीज है। लेकिन सुबह उठने पर जब पिंकू ने देखा कि उसके खिलौने गायब हैं, तो वो दुखी हो गया। पापा पापा, मैंने आंगन में अपने खिलौने रखे थे, सारे खिलौने गायब हैं। बेटा क्यों परेशान हो रहे हो? अपने बच्चे को रोता देख पिंकू की माँ ने उसे एक उपाय बताया। एक उपाय लगाती हूँ, आज रात अगर चोर आया तो जरूर उसका पता चल जाएगा। तू ऐसा कर, अपने पुराने खिलौने पर मेरी नेल पॉलिश की शीशी लगा दे, सारे रास्ते वो गिरता जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा माँ। पिंकू ने वैसा ही किया। रात होते ही बौने फिर से खिलौने उठाने आए। बौने पिंकू के कुछ खिलौने उठाकर अपने साथ ले गए, लेकिन सारे रास्ते में नेल पॉलिश गिरती गई और नेल पॉलिश के निशान का पीछा करते करते पिंकू बौनों के देश तक आ पहुँचा। पिंकू को देखकर बौने हैरान हो गए।
बोनो ने पिंकू को अपनी सारी समस्या बताई। हम तो यहीं पर रहते हैं परसों से, लेकिन वो क्या है ना, बरसात में हमारे घर टूट गए हैं। हम नए घर बना रहे हैं, हमारे पास औजार और मशीनें नहीं है। तुम्हारे खिलौने देखकर लगा कि हम जल्दी बना पाएंगे। अच्छा तो ये बात है, क्या तुम मेरे खिलौने जल्दी ही वापस कर दोगे? बिल्कुल, घर बनने ही वाले हैं। हम 2-3 दिन में तुम्हारे सारे खिलौने वापस कर देंगे दोस्त। वादा करो। वादा। और पिंकू के खिलौनों की सहायता से जल्द ही बोनो ने अपने सारे घर बना लिए। बोनो ने पिंकू का शुक्रिया किया और खिलौने चोरी करने के लिए उससे माफी मांगी। शुक्रिया दोस्त, तुमने हमारी मदद की, हमारे घर तैयार हैं। लेकिन वो चोरी के लिए हमें माफ करना,